राजस्थान चुनाव के लिए मतदान में अब 5 दिन ही शेष बचे हैं। चुनावी अखाड़े में कूदे पहलवानों को एक एक वोट के लिए जूझना पड़ रहा है। इन सब के बीच उम्मीदवारों को अपनी सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा रही है उससे अधिकांश उम्मीदवार संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण से बाउंसरों की मांग अचानक बढ़ गई है। हर दिग्गज उम्मीदवार के साथ 4-5 बाउंसर दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ इन दिनों राजस्थान में देखी जा रही है। इस होड़ से बाउंसरों की चांदी हो गई है। आमतौर पर दिग्गज मंत्री और नेताओं के साथ तो उनके बाउंसर्स और गनमैन रहते ही हैं, लेकिन इस बार चुनाव में हर नेता बाउंसरों की सेवाएं हासिल करने में जुटा है। अब इसके लिए भले ही उसे अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त भुगतान ही क्यों ना करना पड़े, चुनाव से पहले ही कई नेताओं ने बाउंसरों की सेवाएं ले ली थी। टिकट वितरण के बाद से बाउंसरों की डिमांड एकाएक बढ़ गई। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों का दावा है कि जनसंपर्क के दौरान हमलों की आशंका के चलते बाउंसरों की सेवा ली जा रही है, लेकिन यहां वे उम्मीदवार भी बाउंसरों पर पैसा खर्च करते दिख रहे हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं। बाउंसरों पर उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जा रही रकम को उनकी सुरक्षा चिंता से कम बल्कि उनके स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके साथ जितने ज्यादा बाउंसर उसे उतना ही मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। हालात यह हो गए हैं कि कुछ उम्मीदवारों के साथ तो आधा दर्जन बाउंसर दिखने लगे हैं, जिस कारण से निर्दलीय उम्मीदवारों को भी 1 से 2 बाउंसर रखने पड़ रहे हैं। इनको प्रतिदिन के हिसाब से 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। अब मतदाताओं पर इन बाउंसरों का कुछ असर पड़ेगा या नहीं, यह तो 11 दिसंबर को मतगणना के दिन सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक बाउंसरों की चांदी जरूर हो गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।